केमिस्ट्री। ठीक है, देखिए ये चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग है और डिफिकल्ट है, और स्कोरिंग भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब केमिस्ट्री में किसी चैप्टर से क्वेश्चन आए या ना आए, इस चैप्टर से क्वेश्चन आना गारंटीड है। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे, अब दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और एक होगा कि मतलब अगर आपने अच्छे से समझ रखा है तभी बनेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि बहुत इजी क्वेश्चन होगा इस चैप्टर से। इस चैप्टर से जब भी क्वेश्चन आएगा या तो मॉडरेट डिफिकल्टी का होगा तो या तो डिफिकल्ट, इजी वाले, बहुत इजी वाले क्वेश्चन के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा आप देख समझ सकते हैं कि दो टर्म है बेटा, एक टर्म है इसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है केमिस्ट्री। सिंपल सी बात है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। अब देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी बेटा दो, एक होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो भी एक एनर्जी है, और दूसरा है केमिकल एनर्जी। इनके बीच के रिलेशनशिप को समझना ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। आप समझ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किए मतलब इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन क्रिएट, मतलब जनरेट किए या कॉज किए, इलेक्ट्रिसिटी लीडिंग टू सम केमिकल रिएक्शन और सम केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक, दोनों हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी केमिकल रिएक्शन कॉज कर सकता है और केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या इलेक्ट्रिसिटी का स्टार्टिंग कहाँ से। देखो केमिस्ट्री जो है इलेक्ट्रिसिटी से पहले था, केमिस्ट्री या केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी से लोग पहले से जानते थे केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, कंबशन, फायर, समझ रहे कब से हम लोग को फायर के बारे में मालूम है। अब पीपल वेर नोइंग कि एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, आफ्टर 1600 1700 हम लोग को ये मालूम चल गया। अब समझ, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा लेट मालूम चला, तो इलेक्ट्रिसिटी कब पता चला किसी को आइडिया बेटा? अच्छा आप लोग को म्यूट किया गया, हाँ हाँ सायंतन बेटा पूछेंगे, कोई डाउट बता रहे हैं आप? क्या सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा? अरे नहीं सर, वो ऊपर चैप्टर बताइए ना। हाँ सर, सॉल्यूशन फिर बेटा वो करेंगे ना संडे को डिस्कस। संडे को डिस्कस कर लेंगे। चलिए बेटा यहाँ समझिए, इलेक्ट्रिसिटी पहले आया, केमिकल रिएक्शन पहले आया, केमिकल रिएक्शन पहले आया। अब बताएंगे इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी कैसे हुआ था बेटा, कुछ तो पता होगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, समझे बात? दो चीज था बताइए, एक चीज वो था ना, क्या नाम है उसका, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी था या स्टैटिक चार्ज था। स्टैटिक चार्ज के बारे में काफी पहले से लोगों को पता होता था कि रब करने से फर वगैरह से इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक्वायर होते थे, और जब इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक्वायर होते थे, मान लेते थे एक रॉड है और एक और कोई ऑब्जेक्ट है, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता था बेटा लेट से और ये माइनस चार्ज होता, तो कभी कभी क्या होगा बेटा दोनों को पास में लेकर आएंगे, अगर सफिशियंट चार्ज बिल्डअप होगा तो बेटा इनको पास में लेकर आने से क्या क्रिएट होगा, क्या क्रिएट होगा यार? माइक्रो स्पार्क क्रिएट होगा बेटा, बहुत छोटा सा स्पार्क आपको दिखेगा,
यही था। लोग स्टैटिक चार्ज को समझे, फिर लोगों को समझ में आया कि जब अपोजिट चार्ज को लेकर आते हैं तो माइक्रो स्पार्क क्रिएट होता है, छोटा सा स्पार्क क्रिएट होता है। हाँ बेटा, मतलब स्लो है या मतलब लाउड नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है? लाउड है, कुछ आवाज हो। ये तो नहीं होना चाहिए। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, बाकी सबको भी यही प्रॉब्लम है क्या? ठीक, देखेंगे थोड़ा माइक अपना चेक करेंगे, समझेंगे। तो ये जो माइक्रो स्पार्क क्रिएट हुआ ना, वो हल्का सा लाइटनिंग प्रोड्यूस हुआ, और ये जो लाइटनिंग है ना, इस कारण से लोगों को इलेक्ट्रिसिटी में इंटरेस्ट आया, अदरवाइज और कोई रीजन नहीं था इलेक्ट्रिसिटी में इंटरेस्ट के लिए। साइंटिस्ट चाहते थे कि इलेक्ट्रिसिटी से के थ्रू हम लोग लाइट क्रिएट कर पाए, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी में इंटरेस्ट दिखा रहे थे। तो ये फेमस एक्सपेरिमेंट है, क्या ये फेमस एक्सपेरिमेंट है, द काइट एक्सपेरिमेंट। इनका मानना था, ये कौन है बेटा, पता है नाम इनका? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनका मानना था कि जो स्टैटिक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिसिटी दो ऑब्जेक्ट के बीच में माइक्रो स्पार्क ये क्रिएट कर पा रहे थे साइंटिस्ट लोग, और जो लाइटनिंग है ना, दोनों एक चीज है, दोनों एक चीज है। जो हम लोग माइक्रो स्पार्क क्रिएट करते इलेक्ट्रिकल चार्ज क्रिएट से माइक्रो स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है, और जो लाइटनिंग है थंडर एंड लाइटनिंग, वो दोनों एक चीज, इसीलिए उन्होंने फेमस काइट एक्सपेरिमेंट किया। समझ में आया? उसलिए काइट एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसको नॉर्मल इलेक्ट्रिकल स्टैटिक चार्ज की तरह लाइटनिंग और वो थंडर एंड लाइटनिंग को इक्वल प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। आप समझे? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद डेड फ्रॉग एक्सपेरिमेंट हुआ। अब ये डेड फ्रॉग एक्सपेरिमेंट, डेड फ्रॉग एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, क्या किया इन्होंने समझो। ये बेटा लाइटनिंग कंडक्टर है, ये जो पूरा असेंबली देख रहे हैं ना, ये बिजली को बेटा ये ऊपर जाके छत पे देख लगाया हुआ है, ये ऊपर एक्चुअल में जो लाइटनिंग होगा ना स्काई में, उस लाइटनिंग को कंडक्ट करके लेकर नीचे आएगा, नीचे लेकर आएगा, और नीचे पता क्या लगा हुआ है यहाँ पर, कौन है? ये फ्रॉग का लेग है, जिसको हम लोग टंगड़ी बोलते हैं, ठीक है, चिकन का जैसे होता है ना, बस चिकन का जो लेग होता है वही चीज ये लगा हुआ है। और ये जब लाइटनिंग ऊपर से नीचे आया था, तो ये जो फ्रॉग का जो लेग है वो ट्विचिंग की या ट्विच किया, मतलब हल्का सा मूव किया, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, यही ट्विचिंग। ये एक्सपेरिमेंट, ये वाला एक्सपेरिमेंट भी इन्होंने किया। इसमें क्या किया इन्होंने, ये एक कॉपर प्लेट है, ये कॉपर प्लेट है, और ये मान लेते हैं जिंक प्लेट। तो ये कॉपर प्लेट, ये जिंक प्लेट, कॉपर प्लेट जो है उसके स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट किया गया, डेड फ्रॉग के, जिंदा फ्रॉग नहीं था, ठीक है, डेड फ्रॉग के स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट किया गया, और ये वाला जो जिंक प्लेट है वो उसके लेग के नर्व से कनेक्ट किया गया। जब दोनों को टच कराया गया तो देखा इसका लेग जो है मूव करता, और ये है डेड फ्रॉग एक्सपेरिमेंट के नाम से पॉपुलर हो गया। तो डेड फ्रॉग एक्सपेरिमेंट में दो अलग अलग मेटल प्लेट लिया गया, एक को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट किया गया, ये स्पाइनल कॉर्ड था और ये इसका लेग है। तो यहां पर एक आपका कॉपर प्लेट है और यहाँ पर आपका जिंक प्लेट, दोनों को जब टच कराया गया तो देखा गया डेड फ्रॉग का लेग जो है वो मूव करता है, डेड फ्रॉग का लेग मूव करता है। अब कॉन्सेप्ट आया एनिमल इलेक्ट्रिसिटी का, कॉन्सेप्ट ये था कि एनिमल भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट चल रहा,
उसके बाद एक और साइंटिस्ट चले आए, इनका नाम है वोल्टा, एलेजेंड्रो वोल्टा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्चुअल में पिछले वाले एक्सपेरिमेंट से इंस्पिरेशन लिया। पिछला वाला एक्सपेरिमेंट पता क्या इंस्पिरेशन लिया, कि जब दो मेटल को कनेक्ट किए, टच कराए आपस में, तो इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट हो। पहली बार इस एक्सपेरिमेंट से लोगों को समझ में आया था कि व्हेन टू डिफरेंट मेटल उनको कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट हो सकता है। तो एलेजेंड्रो वोल्टा ने ये एक पहला बैटरी बनाया, फर्स्ट एवर बैटरी। इसके पहले लोग ना वही एक रॉड ले लेते थे, फर ले लेते, घिस घिस के उसी से इलेक्ट्रिकल चार्जेस वगैरह सेपरेट करके थोड़ा बहुत माइक्रो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे। इसके पहले इलेक्ट्रिसिटी का कोई कांस्टेंट फ्लो वगैरह किसी को नहीं है। तो इन्होंने कैसे किया, ये बैटरी कैसे प्रोड्यूस किया, या बैटरी करता क्या है वो समझ। तो इस बैटरी में बेटा एक कॉपर प्लेट है, दूसरा जिंक प्लेट, एक कॉपर प्लेट दूसरा जिंक प्लेट, एक कॉपर प्लेट दूसरा जिंक प्लेट, ये आप घर पे ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक कॉपर फिर जिंक, फिर कॉपर फिर जिंक, फिर कॉपर फिर जिंक, ऐसे करके कॉपर जिंक का अल्टरनेट प्लेट बनाया। फिर इस प्लेट के बीच में एक मॉइस्ट पेपर रखा, मॉइस्ट पेपर, एकदम पतला पेपर नहीं है, थिक पेपर है, ठीक है, उस पेपर को बीच में रखा और उसको सॉल्ट में सोक करके रखा। वो जो होता है NaCl का सॉल्ट या KCl का सॉल्ट, उसमें डुबो दिया, सोक कर दिया, उसके बाद इसके बीच में रखा। और इस तरीके से बेटा दोनों टर्मिनल को बल्ब के थ्रू कनेक्ट किया गया और ये बल्ब ग्लो किया। दिस इज द फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक बैटरी, या फर्स्ट एवर बैटरी प्रोड्यूस। आप समझ, ये इतना ज्यादा बड़ा इन्वेंशन था बेटा कि उस जमाने में नेपोलियन भाई साहब वोल्टा के पास आकर ये देख कर गए थे, समझ रहे। मतलब छोटा मोटा आदमी को इधर उधर कहा जाए तो बड़ी बात है, ये नेपोलियन आ गया, ठीक है। तो नेपोलियन उस जमाने का बहुत बड़ा लीडर था, दैट मीन्स ये बहुत 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 बड़ा डिस्कवरी था या इन्वेंशन। और देखिए वही वाला शो किया जा रहा है। अब आगे बढ़, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि दो मेटल जब कांटेक्ट में आएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है। तो वही चीज है बेटा आपके सारे बैटरी के अंदर। ये अपना लिथियम आयन बैटरी है जो मोबाइल में होता है, ये अपना लेड एसिड बैटरी है। कौन सा बैटरी है, लेड एसिड बैटरी। आप सब, तो ये दोनों चीज क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ध्यान से समझिए। अभी डेफिनेशन भूल जाइए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप या तो इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन कॉज करेंगे या केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। डिवाइस विच कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी और वाइस वर्सा, उल्टा, इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस डेफिनेशन को लिख लीजिए, आता है, समझ में आया। इस डेफिनेशन को लिखिए, जो बड़ा सा मैंने लिख रखा है वही चीज है बेटा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन कॉज हो रहा है और केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, यही अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जल्दी से इस डेफिनेशन को लिखें। सर हाँ बेटा बोलिए। क्या लेकिन एनसीईआरटी में तो उल्टा कुछ लिखा, लिखा बेटा एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में लिखा केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है, तो उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं।
और उल्टा होने पे उल्टा वाला नहीं था। अरे यही सही है, ठीक है लिखिए, टेंशन मत लीजिए, ये डेफिनेशन लिखिएगा, नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, समझिए बात, बता देते। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक में इलेक्ट्रिकल से केमिकल होगा, दूसरे में केमिकल से इलेक्ट्रिकल होगा। चलिए हो गया बेटा। अ डिवाइस दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन इट और कैन यूज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कॉज केमिकल रिएक्शन। अच्छा बेटा ये क्या लिखा आप, बोले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन ना, तो बेटा उसमें ये थोड़ी ना लिखा ऑनली, वो पार्शियल डेफिनेशन, ठीक है, आप ऐसे मत समझिए। आप डेफिनेशन पता क्या लिखा होगा, डिवाइस विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये लिखा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बेटा बात को समझिए, दोनों डेफिनेशन में अंतर है। लिख देगा अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल टू, सॉरी, विच कन्वर्ट केमिकल टू इलेक्ट्रिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और दूसरा डेफिनेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट्स केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। कौन सा डेफिनेशन लिखा है सागनिक बेटा? नीचे वाला नीचे, नहीं दोनों होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विल कन्वर्ट केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, यही बेटा स्टैंडर्ड डेफिनेशन, टेंशन नहीं लेना, जो लिखेगा पूरा नंबर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते, अब ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के, एक होता है गैल्वेनिक सेल, नहीं लिखेंगे, दे आर ऑफ टू टाइप, दे आर ऑफ, कुछ लोग थ्री टाइप भी लिखते हैं पर अपने को टू टाइप लिखना, ठीक है, परेशान नहीं रहना, टू टाइप लिखिएगा काम नहीं। पहला वाला है बेटा, पहला वाला है गैल्वेनिक सेल, पहला वाला है गैल्वेनिक सेल, दूसरा वाला क्या है कोई बताएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या करेगा बेटा? गैल्वेनिक सेल क्या करेगा? केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। और इलेक्ट्रोलाइटिक बेटा? इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। ये हो गया दो टाइप के, तीन टाइप भी कुछ लोग लिखते हैं बट दो टाइप ही स्टैंडर्ड हम लोग मानेंगे, ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट इसका डेफिनेशन नहीं। समझ में आया सबको बेटा? आगे बढ़े, दे आर टू टाइप से। अब बात कर लेंगे लिथियम बैटरी, बस ये जनरल नॉलेज, बैटरी मोबाइल में लिथियम बैटरी होता है, मोबाइल में ये बैटरी होता है बेटा, देखो ये बैटरी हो या पावर बैंक हो, पता दोनों के अंदर कौन सा बैटरी होता है? दोनों के अंदर पेंसिल बैटरी है, यही होता है, यही होगा दोनों के अंदर, यही है इसमें बेटा, इस तरीके से अरेंज रहेगा, इसमें इस तरीके से खूब सारा अरेंज रहेगा, यहाँ भी अरेंज रहेगा, और इसमें दो तीन रहता है, दो तीन रहेगा, यही हर जगह यही रहेगा, बैटरी का स्टैंडर्ड साइज यही। और बेटा एक लिथियम बैटरी का वोल्ट अप्रोक्सीमेटली 3.7 वोल्ट होता है, तो जो 12 वोल्ट बना ना वो चार बैटरी को मिला के बना है। चलिए आगे बढ़ते, अब ध्यान से समझ, जब इस बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हैं, डिस्चार्ज का मतलब आप लैपटॉप ऑन किए, मोबाइल ऑन किए, तो बेटा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बात को समझिएगा, आपने मोबाइल को यूज कर रहे हैं, तो जब मोबाइल को यूज कर रहे हैं तो ये जो बैटरी है ना, ये जो बैटरी है मोबाइल के अंदर, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। और जब चार्जिंग कर रहे हैं तो
तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल रिएक्शन कॉज करता है। तो डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग मतलब मोबाइल को यूज कर रहे हैं, डिस्चार्जिंग के समय आपका बेटा मोबाइल का बैटरी गैल्वेनिक सेल, और चार्जिंग के समय वही चीज आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन गया। इसमें किसी को परेशानी तो पूछ ली, ये आता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाएगा। डिस्चार्जिंग के समय वो गैल्वेनिक सेल है और चार्जिंग के समय वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब टॉपिक लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल लिखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल टॉपिक। पीछे पीछे डिस्चार्जिंग मतलब गैल्वेनिक सेल, चार्जिंग मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, डिस्चार्जिंग और चार्जिंग। चल आगे बढ़ा जाए, टॉपिक है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। ये वही पोटेंशियल है जो आप लोग फिजिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज के जैसे पढ़ते आए। दिस इज सेम पोटेंशियल डिफरेंस जो फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, ये सब जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, ये वही चीज है। चलिए टॉपिक हम लोग लिख लिए, अब बात को समझ। ये बेटा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, ये अपना एक मेटल सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट, एंड दिस इज मेटल रॉड। ये क्या है बेटा? मेटल रॉड, ये अपना मेटल रॉड हुआ। इसमें किसी को डाउट? अब आगे समझो, जब आप एक मेटल रॉड उसके सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दो, मतलब आप लोग कुछ ऐसे बनाएंगे, एक बीकर लेंगे, बीकर में आप एक रॉड डिप कर दें, मेटल रॉड, मेटल सॉल्यूशन, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। इसमें किसी को डाउट बेटा? नहीं डाउट है, चलिए आगे बढ़े। अब समझिए, जब आप इस मेटल को इसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो थोड़ा सा पोटेंशियल क्रिएट होगा, दिस पोटेंशियल विल बी नोन एज इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पोटेंशियल दैट इज जेनरेटेड व्हेन अ मेटल रॉड इज डिप इनसाइड इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। जब एक मेटल रॉड को उसके मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर देंगे, उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोले हैं। तो आप बोलेंगे सर क्यों क्रिएट हो रहा है, पहले समझ लीजिए फिर हम लोग डेफिनेशन लिख। बेटा मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और मेटल हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन? लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल में लूज 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन डिपेंडिंग अपॉन द मेटल। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम हैज टेंडेंसी टू लूज 3 इलेक्ट्रॉन, कॉपर हैज टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन, सोडियम हैज टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा मेटल है? मुझे भी नहीं पता कौन सा मेटल है, तो मैं बस एक इलेक्ट्रॉन लूज कराऊंगा, चाहते तो 2 भी करा सकते थे, बट मुझे चीज सिंपल रखना है। ये मेटल का एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया तो मेटल क्या बन गया? एम प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। तो यहां पर ये एक जो मेटल है वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, या इलेक्ट्रॉन को थोड़ा छोड़ दिया आपने, अलग कर दिया। तो जाहिर सी बात है बेटा, मेटल जो होता है छोटा बड़ा होता है, कटायन क्या होता है? स्मॉलर होता है। तो यहां पर भी देखो छोटा हो गया,
मेटल कटायन छोटा हो गया, दिख रहा सबको? इससे फर्क नहीं पड़ता, साइज छोटा होने बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फैक्चुअली करेक्ट है ये, बस अब समझे। ये मेटल प्लस क्या करेगा, ये मेटल प्लस अब चार्ज हो गया, इसके ऊपर चार्ज आ गया, अब ये चुपचाप पानी में आ जाए, सॉल्यूशन में आ जाए, ये सॉल्यूशन में आ जाएगा बेटा, ये चारों तरफ ना सॉल्यूशन है, ठीक है, दिस इज सॉल्यूशन, ये मेटल प्लस पानी में आ जाएगा। क्यों आएगा बेटा, ये देखिए क्लास 11 के केमिकल बॉन्डिंग में कराए थे, ये मेटल प्लस जो होगा बेटा वो चारों तरफ पानी से सराउंड हो जाएगा, और मुझे जहां तक याद है एक सुंदर सा एनिमेशन भी दिखाया गया, पर किसी को याद थोड़ी ना, ये इस तरीके से आ जाता है। और इसको क्या कहते हैं बेटा, ये स्पीयर जो बना उसको क्या कहते हैं, अरे इस चीज को क्या कहेंगे, मेटल कटायन कहेंगे या कुछ और कहेंगे, मेटल कटायन तो ये है, ये इसको पानी के साथ इसको क्या बोलेंगे, कुछ नहीं याद है, हाइड्रेटेड, या फिर हाइड्रेटेड से बेटर क्या था बेटा, एक्वस, एम प्लस बगल में क्या लिखा जाएगा, एक्वस, अब याद आया, मेटल प्लस के बगल में एक्वस लिखते हैं, जैसे ही पानी चारों तरफ इसको सराउंड कर लेगा उसको एक्वस लिखते हैं। चलिए वापस आते हैं, यहाँ ये मेटल यहाँ आ गए, इस तरीके से आ गया, पानी ने उसको सराउंड कर लिया, ये इलेक्ट्रॉन मेटल के ऊपर ही रहते, ये इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस के ऊपर रहे, यही काम दूसरा मेटल आयन भी करेगा या दूसरा मेटल एटम भी करेगा। इस तरीके से बेटा क्या होगा, सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का एक लेयर बन जाएगा, तो मेटल का सरफेस का चार्ज क्या हो जाएगा, मेटल सरफेस का चार्ज बेटा थोड़ा थोड़ा माइनस हो जाएगा, इस तरीके से माइनस हो सकता है। और बाहर क्या है बेटा, मेटलिक कटायन एक पॉजिटिव लेयर बना रहा है, तो इस तरीके से बेटा दो ऑपोजिट चार्ज के लेयर बन गए, एक लेयर बना है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का, दूसरा लेयर बना है पॉजिटिव मेटलिक कटायन का। तो जब भी दो ऑपोजिट लेयर ऑफ चार्ज हो जाते हैं अलग अलग लेयर में, उससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो दिस इज वाई जब एक मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो आपको पोटेंशियल जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। यहां पर किसी को डाउट हो तो पूछे, चलिए लिखेंगे फिर इसको, ड्रॉ कीजिए, ऐसा वाला ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है, आप लोग मतलब देख लीजिए आप लोग मतलब कितना अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं, आपके ड्राइंग स्किल के ऊपर डिपेंडेंट है बेटा, आप कैसा बनाना चाहते हैं। यहाँ पर बार बार बता रहे मेटल को सॉल्यूशन में डिप किए हैं, तो ठीक कभी कभी मेटल को सॉल्यूशन में डिप किया गया है, वो सॉल्यूशन किसका है, उसी के सॉल्ट का है, वो सॉल्यूशन उसी के सॉल्ट का है। डायग्राम बनाएंगे बेटा, अदरवाइज बाद में रिवाइज करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि चल क्या आ रहा है, एक मिनट इसको अभी ठीक कर देंगे।
बन जाएगा तो जल्दी से बताएंगे बेटा, आगे बढ़े तो। हाँ सर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट, मेटल का सॉल्ट समझते हैं, मेटल का सॉल्ट का मतलब मेटालिक कटायन होगा और नॉन मेटालिक अनायन होगा। क्या होगा बेटा, सॉल्ट का मतलब होता है, सॉल्ट इज बेसिकली मेटल प्लस नॉन मेटल माइनस। आप बोलेंगे सर मेटल प्लस तो दिख रहा, नॉन मेटल माइनस क्यों नहीं बनाए? बेटा नॉन मेटल माइनस है, मान लेते हैं कि सीएल माइनस अंदर है, हम लोग बनाए नहीं है। क्यों नहीं बनाए? क्योंकि वो अपने किसी काम का अभी नहीं है। अनायन जो है ना, इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना, हम लोग अनायंस ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि जो अनायन होगा बेटा वो स्पेक्टेटर आयन है। स्पेक्टेटर ना, स्पेक्टेटर आयन का मीनिंग क्या होता है समझो बात, कोई कटायन या कोई अनायन किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। केमिकल रिएक्शन हो रहा है बस वो, पर वो खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बस वो बाहर से देख रहा है। जैसे क्रिकेट स्टेडियम में क्या होता है, कुछ लोग खेल रहे होते हैं, बाहर से हज लाखों लोग आके स्टेडियम के चारों तरफ बैठ कर बस खाली ताली बजाते रहते हैं, कोई काम नहीं होता उनके पास तो जाकर वहाँ ताली बजा रहे, वो स्पेक्टेटर होता है। तो यहाँ पर भी अनायन के साथ यही हो रहा है, ये लोग आपस में कुछ कुछ करते रहेंगे रिएक्शन, बट इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये बस देख रहा है, मजे में है, ये पीस में। चलिए आगे बढ़ते, अब तक हो गया होगा कॉपी, कॉपी हुआ बेटा, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब लिखेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक रॉड इज डिप्ड इन कॉपर 2+ सॉल्यूशन। लिखेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक इज डिप्ड इन कॉपर 2+ सॉल्यूशन, व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक रॉड इज डिप्ड इन कॉपर 2+ सॉल्यूशन। ये लिखो, ये अपना जिंक रॉड, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज आज ही करा रहे पता है, ये जिंक रॉड और यहाँ पर कॉपर 2+ का सोल्यूशन है। कॉपर 2+ बेटा, मार्केट में कॉपर 2+ मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैं आपको बोलूंगा 1 किलो कॉपर 2+ ला के दो, मिलेगा बेटा? नहीं मिलेगा। नहीं। तो क्या मिलेगा? कॉपर सल्फेट मिलेगा। तो अभी क्या बताए थे, ये कॉपर 2+ सॉल्यूशन बना रहे हैं बट अंदर सल्फेट भी होगा, क्लोराइड भी हो सकता, कोई भी अनायन होगा, अपने को उससे मतलब नहीं है, हम लोग सिर्फ अंदर कॉपर 2+ बनाएंगे। तो ये अपना कॉपर 2+ का आयन है और ये अपना जिंक रॉड। आप लोग भी ऐसा ही कीजिए, आसपास कॉपर 2+ बना लीजिए, कॉपर 2+ बना लीजिए। आप समझो, ये जो कॉपर 2+ बनाए हैं और ये जो जिंक रॉड है, इनके बीच में कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा? तो मैं आपको बता दूं, इनके बीच में रिएक्शन होगा। क्यों होगा? अब मैं एक्सप्लेन करूं। आप समझो, ये जो बेटा रिएक्शन है ना, आप लोग बहुत बहुत पहले से करते आ रहे। कौन सा रिएक्शन बताएगा कोई, कौन सा रिएक्शन? यहाँ पर जो रिएक्शन होने वाला है, ये हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। कौन सा रिएक्शन होने वाला है और उसका नाम क्या है, जल्दी से। बहुत डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आज तक हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बस लिखते आए, आज हम लोग पहली बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअली में देखेंगे कि एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता कैसे। तो समझो, ये अपना जो जिंक मेटल है, इसके ऊपर जिंक एटम होंगे ना, ये तो मेटल भी कोई भी तो एटम से बनता है, तो ये जिंक एटम्स है बहुत सारे। जिंक ऑल्सो हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो यहां से जिंक एटम अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और लूज करने के बाद Zn2+ हो जाएगा, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, सब कुछ एक ही बार हो जाएगा।
ये दो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। अब जिंक टू प्लस क्या करेगा, जिंक टू प्लस बाहर आएगा और पानी से सराउंड हो जाएगा, तो जिंक टू प्लस बाहर आया। इस दो इलेक्ट्रॉन का क्या, देखो इसके पहले हम लोग देखे थे दो इलेक्ट्रॉन सरफेस के ऊपर ही था, बट यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन, देखो कुछ इलेक्ट्रॉन सरफेस पे हमेशा रहेंगे, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन सरफेस पे हमेशा मेंटेन रहेगा, बट एक पॉइंट के बाद जब सरफेस पूरा इलेक्ट्रॉन से कवर हो गया तो किसी ना किसी को तो इलेक्ट्रॉन देना होगा ना। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन या तो जेड एन टू प्लस को भी मिल सकता है या तो कॉपर टू प्लस को भी मिल सकता है, क्योंकि दो लोग खड़े हैं लेने के लिए, दो लोग खड़े हैं, जिंक टू प्लस भी खड़ा है लेने के लिए, कॉपर टू प्लस भी खड़ा है लेने के लिए। तो ये दो इलेक्ट्रॉन उसको मिलेगा जिसका ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का। तो आउट ऑफ जिंक टू प्लस एंड कॉपर टू प्लस, आउट ऑफ जिंक टू प्लस एंड कॉपर टू प्लस, दिस हैज मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको भी मिल सकता है, इसको तो नहीं मिलेगा क्योंकि कॉपर का ज्यादा है, इसको भी मिल सकता 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 है, जो आसपास आ जाएगा उसको मिल जाएगा। तो यहां पर मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को मिल गया, तो ये इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन आया, उसको मिल गया। मिलने के बाद क्या होगा, कॉपर एटम बनेगा। मिलने के बाद क्या होगा, कॉपर एटम बनेगा। इसमें किसी को डाउट, किसी को डाउट है तो ये वाला देख लीजिए, तो चार बार आपको क्लियर। समझ में आ रहा क्या हो रहा है, जिंक एटम इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन विच इज बीइंग गेन्ड बाय कॉपर। चलिए तो ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा, ऑब्जर्वेशन ये है, ध्यान से समझिए, ऑब्जर्वेशन है जिंक इज लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म जिंक कटायन। ये पहला स्टेप का रिएक्शन। बाद में क्या हुआ, कॉपर टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन विल गिव अस कॉपर। अगर स्टेट लिखेंगे हम लोग तो ये आपका सॉलिड हो जाएगा, एक ये अपना सॉलिड हो जाएगा, ये अपना एक्वस होगा, होपफुली आप लोग को दिख रहा होगा ये एक्वस है। अच्छा मैं ऊपर बगल में क्यों लिखूं, परेशान कर, एक मिनट वो नहीं जा रहा, बगल में लिखना जरूरी थोड़ी ना, जिंक मैं नीचे भी लिख सकता था, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है और ये सॉलिड है, स्टेट लिख लेंगे जरूरी होता है। समझ में आया क्या हुआ है, दो स्टेप में रिएक्शन हुआ है, जिंक हैज लॉस्ट टू इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर टू प्लस हैज गेन्ड टू इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉपर टू प्लस का बेटा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का कंपेयर टू जिंक टू प्लस। इसी चीज को हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू भी एक्सप्लेन करते हैं। हम लोग बोलते हैं जिंक और कॉपर में, जिंक मेटल और कॉपर मेटल में, कॉपर मेटल is below zinc metal in reactivity series, that's why zinc will lose electron to copper। ये बात होती, इसमें किसी को doubt, चलिए इसी तरीके से समझ में आ रहा बेटा। अरे हाँ या ना, हाँ सर आगे बढ़।
बड़ा। चलिए आप देखिए, आप लिखेंगे सेटिंग अप अ वोल्टाइक सेल। अच्छा बोलना भूल गए थे, गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल इज सेम, समझो बात। गैल्वेनिक सेल एग्जैक्टली वोल्टाइक सेल जैसा है। एक्चुअली एलेजेंड्रो वोल्टा ने पहला बार वोल्टाइक सेल बनाया, बट एलेजेंड्रो वोल्टा वॉज इंस्पायर्ड बाई द वर्क ऑफ बेटा किनका, गैल्वेनी। वो डेड फ्रॉग एक्सपेरिमेंट याद है, डेड फ्रॉग एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर्ड होके वोल्टा ने बैटरी बनाई, इसलिए वोल्टा ने सेल का नाम गैल्वेनिक सेल दिया था, बट कुछ लोग उसको वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा यहाँ जरा बताइएगा मुझे, यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, बेटा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम जिंक टू Cu2+ आया ना, इलेक्ट्रॉन जिंक से टू Cu2+ फ्लो कर रहा है, तो इसके अंदर अगर एक बल्ब डाल देंगे बेटा, इसके अंदर एक बल्ब डाल देंगे तो क्या लगता है, दिस बल्ब विल ग्लो आर नॉट ग्लो, नॉट क्यों नहीं ग्लो करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन नहीं। चलिए ठीक है बेटा, बल्ब तब ग्लो करता है जब बेटा बल्ब उसके रेजिस्टर के थ्रू पास करता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू पास करेगा यहाँ से पूरा जाएगा, समझे बात को, इसके थ्रू पूरा क्रॉस करेगा इस तरीके से, तब ना बल्ब ग्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से यहाँ फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ यहाँ से फ्लो करेगा तो ग्लो करेगा, बट इलेक्ट्रॉन बेवकूफ तो नहीं है कि जो लंबा रास्ता कवर करेगा, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस है। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन बड़ा होशियार आदमी है, इलेक्ट्रॉन ने लाइफ में एक ही चीज सीखा है, टू फॉलो लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ, फॉलो लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ, जिधर लीस्ट रेजिस्टेंस मिलता है इलेक्ट्रॉन उधर ही जाता है, ज्यादा मेहनत वगैरह इलेक्ट्रॉन करने में बिलीव नहीं करता है, वो सिंपल लिविंग में बिलीव करता है। ठीक है चलिए आगे बढ़े, तो बल्ब यहाँ ग्लो नहीं करेगा भले इलेक्ट्रॉन ग्लो कर। तो वोल्टाइक सेल में हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती बल्ब के थ्रू फ्लो कराएंगे, क्योंकि जिंक से कॉपर तो फ्लो कर रहा, हम लोग को पता है जिंक से कॉपर टू आयन के पास इलेक्ट्रॉन जाता है, तो हम लोग एक बीकर लेंगे, इस बीकर में जिंक लेंगे और जिंक के बाद हम लोग जिंक आयन्स ऐड करेंगे, ठीक है समझ में आया बेटा। तो हम लोगों ने क्या किया, जिंक रॉड लिया और जिंक रॉड को किस में डिप किया बेटा, जिंक सॉल्यूशन में डिप किया, लेट से ये जिंक सल्फेट है, लेट से ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, सल्फेट कहाँ है ड्रॉ नहीं किए बट सल्फेट है। तो एक बीकर है जिसमें मेटल जिंक है और साथ में जिंक आयन है, ठीक है कॉपर नहीं है, पिछली बार में कॉपर आयन इसी में डाल दिए याद करो। फिर एक और बीकर लिए, इस बीकर के अंदर कॉपर प्लेट डालेंगे और इसके अंदर कॉपर टू आयन, इसके अंदर कॉपर टू आयन डालेंगे, तो ये कौन सा है, ये भी बेटा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब समझो बात, हम लोगों ने दो प्लेट लिया, मेटालिक प्लेट है जिंक और मेटालिक प्लेट है कॉपर, कॉपर को कॉपर सल्फेट के अंदर डिप कर दिया, जिंक को जिंक सल्फेट के अंदर डिप कर दिया, बेटा इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, जिंक लूज करेगा, गेन कौन करेगा, कॉपर 2+ गेन करेगा, हम लोग ये रिएक्शन पहले से जानते हैं, कौन सा रिएक्शन, जिंक लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड जिंक 2+ बनेगा, और ये रिएक्शन है कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। बट प्रॉब्लम ये है, जिंक यहां से बैठे बैठे इस कॉपर 2+ को इलेक्ट्रॉन कैसे लूज करेगा, जिंक इतनी दूर खड़ा है कॉपर 2+, तो हम लोग जिंक का थोड़ा हेल्प करेंगे, कैसे हेल्प करेंगे, हम लोग बीच में एक बल्ब आगे रखेंगे,
क्योंकि हम लोग को बल्ब ग्लो कराना है, एक बल्ब रखेंगे ठीक है, बीच में एक बल्ब रखेंगे और बल्ब के थ्रू एक इलेक्ट्रिक वायर लेके इस तरीके से पास करा, मतलब इस तरीके से, समझ में आया। अगर आप ये वाला सेटअप क्रिएट करेंगे तो आप बेटा बल्ब आपका जलेगा, ऐसा सेटअप क्रिएट करने के बाद बल्ब आपका जलेगा। इसमें किसी को डाउट, वोल्टाइक सेल में क्या करना होगा, एक तरफ इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला, दोनों को दूर रखिए और दोनों के बीच में बल्ब रखकर वायर से कनेक्ट कर दिए तो आपका बल्ब ग्लो करेगा। अब देखो इसका हम लोग एनिमेशन के थ्रू मैकेनिज्म देखते हैं। देखो जिंक हम लोग को पता है इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है, तो ये जो जिंक है बेटा, ये वाला जो जिंक है, ये जो जिंक है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन लूज किया, फिर क्या करेगा बेटा, ये यहाँ आ जाएगा तो ये वहां चला गया, ये दो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा बेटा, ये दो इलेक्ट्रॉन बेटा इस बार ये वाला रास्ता फॉलो करेगा, ये रास्ता घूम घूम कर घूम घूम कर घूम घूम कर घूम घूम कर यहाँ आए, इस बार यही नहीं रहेगा, अरे सरफेस के ऊपर सैचुरेशन हो जाएगा, सारा सरफेस का लेयर कवर जाएगा, उसके बाद तो इलेक्ट्रॉन कहीं तो जाएगा, तो ये वायर को फॉलो करते हुए यहाँ से आएगा और बाद में इस कॉपर टू प्लस, इस कॉपर टू प्लस, इस कॉपर टू प्लस या इस कॉपर टू प्लस किसी को भी मिल सकता है। समझ में आया बेटा यहाँ तक, यही चीज देखो हो रहा है, वो पॉप दोनों इलेक्ट्रॉन वहां से अपना सफर स्टार्ट करेगा, चलना स्टार्ट करता है, बल्ब को क्रॉस करते हुए इस तरफ चला आएगा और इस तरफ आने के बाद बेटा ये इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा बेटा, दोनों इलेक्ट्रॉन किसी भी कॉपर आयन को मिलेगा और जब कॉपर आयन बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो क्या बन जाएगा, वो कॉपर एटम बन जाएगा। तो धीरे धीरे बेटा ये रॉड क्या होगा, कंप्लीटली डिजॉल्व कर जाएगा और इधर क्या होगा बेटा, कॉपर डिपॉजिट होता रहेगा। एक और बार देख लेते, ये फिर से हुआ, ये निकला, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा अब चलना स्टार्ट किए, ये चलते 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 यहाँ पहुंचेगा, या तो इसको मिल सकता है, इसको मिल सकता है, इसको किसी को भी मिल सकता है, अब वो रैंडम इवेंट होगा, उसमें हम लोग को दिमाग नहीं लगा ठीक है। चलिए वहां पहुंचा, फिर ये उसको मिला और ये भी कॉपर टू प्लस, धीरे धीरे क्या होगा बेटा, कॉपर टू प्लस डिपॉजिट होता जाएगा तो ये कॉपर टू प्लस खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे ये रॉड जो है वो भी डिजॉल्व होता रहेगा और ये रॉड डिसअपियर कर जाएगा। जब रॉड डिसअपियर कर जाएगा तो आपका जो बल्ब है वो जलना बंद कर देगा, बैटरी इन्फिनाइट आपको एनर्जी नहीं दे सकता है क्योंकि केमिकल्स खत्म हो जाते हैं। इसमें किसी को डाउट, चलिए अब अच्छे से, जितना अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जितना अच्छे से मैंने आपको दिखाया है, उतना अच्छे से डायग्राम बना लीजिए, इंपॉर्टेंट बन जाएगा बता दें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिफिकल्ट नहीं है बेटा, अगर आप विजुअलाइज कर लिए कि चीजें क्या हो रही ना, तो उसके बाद डिफिकल्ट नहीं होगा। अनुजी अनुजी आवाज आ रही है, कहाँ चले गए अनुजीत आज फिर से, चलिए डायग्राम बन गया अनुजीत, यस सर, चलिए आगे बढ़े बेटा सायंतन, हाँ सर, चलिए सबका डायग्राम बना तो अच्छे से, चलिए
आप 15 मिनट के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म। सही से समझ गए बेटा, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ बचा ही नहीं, बस खाली फॉर्मूला वगैरह बचा। ऐसा नहीं कि चैप्टर खत्म हो जाएगा, बट समझ लीजिए कॉन्सेप्ट ओवर हो चुका है। कॉन्सेप्ट यही है पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप समझे बात, अगर मुझे ये वाला बैटरी, ये वाला बीकर को देखने बोले और ये वाला बीकर को देखने, तो इस वाले बीकर का रिएक्शन मैं लिखूंगा। देखो नॉर्मली करना क्या होता है, आपको बीकर के नीचे रिएक्शन लिखना होगा, आपको एक्चुअल रिएक्शन यहाँ लिखना, पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, ये गोज टू 2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2+ गेंस 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव कॉपर। देवांशु बेटा यहाँ क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन बेटा, ये वाला जिंक वाला बेटा, दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। देवांशु तो वो पहले वाला रिएक्शन क्या था, ये वाला? यस सर। अरे उतनी बात है, जिंक इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म जेडन 2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन। देवांशु बेटा अच्छा ओके थैंक्स। चलिए देवांशु ने बेटा आंसर दिया है, ठीक है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ देवांशु बेटा आपके आंसर से। सोचिए बेटा, अब तक अब तो उसका उल्टा ही होगा, जो आपने आंसर दिया उसका उल्टा कर दीजिए। रितिका बेटा लास्ट क्लास में आप आए नहीं थे, चलिए। सागमिक बेटा बताएंगे ये क्या है जिंक का बेटा? ऑक्सीडेशन। बहुत बढ़िया, दिस इज ऑक्सीडेशन। अब 15 मिनट के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म होगा, बहुत लंबा चैप्टर है बट हम लोग खत्म कर लेंगे। ये बेटा रिड्यूस होगा। अब क्यों रिड्यूस हुआ बेटा, एकदम सिंपल सा, जिनको नहीं याद है ऐसे याद रखिए, ऑयल रिग। बॉम्बे हाई पड़े ऑयल रिग, तेल जहां से निकलता है, खाने वाला नहीं, पेट्रोल डीजल की बात हो रही है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना सिंपल, इलेक्ट्रॉन लूज किया ऑक्सीडाइज हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ रिड्यूस हुआ, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है चलिए, तो ये वाला ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये वाला रिड्यूस, एकदम ध्यान से याद रख। What is anode and what is cathode? एकदम एक ही डेफिनेशन है, इसके अलावा एनोड और कैथोड का सारा जो डेफिनेशन है वो गलत डेफिनेशन, और कोई वो बता रहा है आपके बुक में लिखा हुआ है। अगर किसी बुक में लिखा हुआ ना दूसरा वाला डेफिनेशन क्लास 11 और 12 के बुक में, जाके रद्दी में उस बुक को बेच दीजिएगा। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ एनोड का वही डेफिनेशन। जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वही एनोड, प्लस और माइनस से एनोड नहीं डिसाइड। आप बोलेंगे सर एनोड माइनस होता है, मैं बोलूंगा बेटा एनोड माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, बट एनोड में हर बार ऑक्सीडेशन, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो दिस विल बी कॉल्ड एनोड टर्मिनल। तो एनोड कौन बना बेटा, एनोड ये है बेटा, ये सारा आप लोग ना बीकर के नीचे लिखेंगे। ठीक है, मैं बीकर के ऊपर लिख रहा हूँ, आप लोग बीकर के नीचे लिखेंगे। और जहां रिडक्शन होता है वो अपने आप कैथोड है, वो हमेशा कैथोड कहलाएगा। जहां रिडक्शन होता है वो हमेशा कैथोड कहलाएगा, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रॉन बेटा किधर से फ्लो किया, ये तो हम लोग को याद है ना, इलेक्ट्रॉन इधर से ऊपर गया था। इतना मल्टीपल कलर हो जाता है ना, इलेक्ट्रॉन ऊपर इधर से गया था। दो इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, हम लोग को इलेक्ट्रॉन से मतलब, दोनों इलेक्ट्रॉन लिखने का यहाँ पे हमको जरूरत। तो इलेक्ट्रॉन इधर गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाकर इधर, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर आया और इलेक्ट्रॉन फाइनली इसको मिलता है, किसी एक को मिल जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज होते जाता है। ये आप तरीका है इलेक्ट्रॉन का डायग्राम दिखाइए। आप
मान लीजिए कि आप बल्ब है, आप मान लीजिए कि आप बल्ब है, बल्ब को क्या दिखा? बल्ब को बेटा ये सारा असेंबली नहीं दिखेगा, बल्ब को, बल्ब ने उतना पढ़ाई लिखाई नहीं किया है कि जिंक रॉड जिंक आयन उसको समझ में नहीं है, उसको बस इतना समझ में आता है जब इलेक्ट्रॉन उसके थ्रू पास करेगा, जब इलेक्ट्रॉन उसके थ्रू पास करेगा तो बल्ब को ग्लो करना है, बल्ब को इतना समझ में आता है। अब बल्ब को इतना बात पता है कि जिस तरफ नेगेटिव प्लेट होता है उधर से इलेक्ट्रॉन आता है और जिस तरफ पॉजिटिव प्लेट होता है उधर से उधर इलेक्ट्रॉन जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव होगा जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और यहाँ पर कुछ नेगेटिव होगा जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। तो यहाँ पर जिंक वाला रॉड है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव कर रहा है और कैथोड वाला टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर? इधर वाला नेगेटिव क्यों हो गया, इधर वाला पॉजिटिव क्यों हो गया? ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक सबका डाउट? क्लियर बेटा? चलिए अब समझो, नॉर्मली मैं चाहता तो जिंक वाला बीकर इधर पूरा बना देता और कॉपर वाला बीकर इधर बना देता, बट कन्वेंशन ये है, कन्वेंशन मैंडेटरी नहीं है, कन्वेंशन ये है जो ऑक्सीडाइज होगा उसको आप लेफ्ट में बनाइए, ड्रॉ कीजिए, लिखिए, कुछ भी करना है लेफ्ट में कीजिए और जो रिड्यूस हो रहा है उसको राइट में कीजिए, ये कन्वेंशन। तो कन्वेंशन क्या है? लेफ्ट में, लेफ्ट में यहां लिख लीजिए, लेफ्ट में, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन वाला बनाना होता है, ऑक्सीडेशन वाले को एनोड कहते हैं और एनोड वाला टर्मिनल नेगेटिव होता है। याद रखने के लिए LOAN, लोन, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव टर्मिनल, ये है। और कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि उल्टा बनाएंगे तो गलत नहीं है बट मार्क्स नहीं मिले, समझे? कन्वेंशन का मीनिंग ये है, उल्टा बना दीजिएगा तो गलत नहीं है बट मार्क्स तो नहीं। चल, यहां तक किसी को डाउट? अब समझो, परेशान आज थोड़ा क्लास बेटा ना 5:30 में खत्म करेंगे, कंप्यूटर में देखना होगा कुछ हुआ है प्रॉब्लम, बस अगली क्लास पे चलिए। यहाँ देखेंगे ये जो लेफ्ट वाला है वहां ऑक्सीडेशन होना चाहिए, एनोड है और नेगेटिव टर्मिनल, लेफ्ट में हम लोग ऑक्सीडेशन वाला बनाते, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन वाला हम लोग बनाएंगे। चलिए मैं अगले स्लाइड में पढ़ देता हूं आराम। LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड एंड नेगेटिव, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनोड बिहेव एज नेगेटिव टर्मिनल, याद कर रखिएगा, इन इलेक्ट्रोकेमिकल। कुछ लोग प्रॉब्लम में फंस गए होंगे, सर क्लास टेंथ में तो उल्टा था, ICSE वाले खास कर, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनोड इज नेगेटिव टर्मिनल, एनोड इज नेगेटिव टर्मिनल, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन इलेक्ट्रोलाइटिक एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल,
समझ में आया? नेक्स्ट जी सर, ये भी मैं लिखा दे रहा हूँ। कुछ लोग होता है ना, इन इलेक्ट्रोकेमिकल्स, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, टेक्स प्लेस एट एनोड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट, कोई भी आदित्य बताएंगे कहाँ होगा बेटा? एट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट, बहुत बढ़िया कुणाल बेटा, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट क्या बोले थे? कोई भी बुक क्यों ना हो, कोई भी चैप्टर क्यों ना हो, एनोड का डेफिनेशन फिक्स है। एनोड का एक ही डेफिनेशन है जहां क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन बेटा। तो यहां पर भी एनोड ही आएगा। देखो क्या बोल रहे, प्लस माइनस सेल बदलने पे एनोड चेंज कर लेगा, बट अपना जो नेचर है ऑक्सीडेशन वो चेंज नहीं कर। जहां ऑक्सीडेशन होता है उसका डेफिनेशन ही एनोड है अपने आप। प्लस माइनस तो बाद में आया है, वो डेफिनेशन में थोड़ी ना है। डेफिनेशन ऑफ एनोड इज प्लेस वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। क्लियर है बेटा सबको? बोथ इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा। दोनों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन, और कैथोड में दोनों जगह क्या होगा? आप कैथोड के लिए नहीं लिखवाना पड़ेगा, ठीक है? कैथोड में दोनों जगह रिडक्शन होता है। चलो हो गया बेटा, क्लियर है सबको? अरे हाँ या ना, कि अनुजित की तरह सब कोई सो गए बेटा? यस सर। सब अनुजित की तरह सो गए? सोए नहीं है सर, तब से बोल रहे थे नहीं नहीं दे। चल ठीक है, चर्चिल बेटा समझ में आ रहा है? देखिए ये आधा सो गए। चलिए बेटा देखते हैं, अब हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं, ठीक है? इस बार बेटा बदल दिए, कॉपर रॉड लिए है और सिल्वर रॉड लिए। इस बार कॉपर रॉड लिए और सिल्वर रॉड, ये कॉपर का रॉड है और यहाँ कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, और ये सिल्वर नाइट्रेट का मान लो AgNO3, Ag2SO4 नहीं होता, AgNO3 मान लो। याद रखिएगा नाइट्रेट का 99% सोल्यूशन सॉल्युबल होता है पानी में, NO3 सल्फेट सारा सॉल्युबल नहीं होता। अब ध्यान से समझो, कॉपर का रिएक्शन क्या होगा? कॉपर टू प्लस क्या होगा? कॉपर जो है बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सिल्वर प्लस को गेन करना, क्यों? कॉपर इज अबव सिल्वर इन रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर ऊपर है सिल्वर नीचे है, इसलिए कॉपर विल नाउ लूज इट्स ओन इलेक्ट्रॉन एंड Ag प्लस को इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। वही चीज हम लोग बेटा अब एनिमेशन से देखेंगे। कॉपर टू प्लस दो इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज किया, ये कॉपर टू प्लस पानी में आएगा, फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे और रास्ते में बेटा बल्ब के थ्रू होते हुए काफी देर के बाद यहाँ पहुंचने के बाद बेटा ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे? Ag प्लस को मिलेंगे, और दो Ag प्लस बेटा यहाँ पर रिएक्ट करेंगे, वो वहां पहुंच जाएगा, फिर दो Ag प्लस इसके पास जाएंगे और Ag एटम बन जाएगा। इसमें किसी को डाउट नहीं? तो इस बार हम लोग
ये वापस कैसे आ गया, इसे तो मिटा दिया। चलिए ठीक है, ये ब्लिंक कर रहा है, कुछ तो हुआ। एक नंबर देखिए, ये बगल वाले काम करते, पहले मैं इसका सी यू ध्यान से समझ गए क्या हुआ बेटा, समझेंगे बात। कॉपर इज लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस Cu2+ एंड सिल्वर इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस सिल्वर एटम। ये क्या है बेटा, कैथोड या एनोड? नहीं होगा बेटा, बेटा एक काम करेंगे, इसको बना लेंगे ठीक है, और इसमें लिखिए तो ये लिखने नहीं देगा, मैं समझ गया हूँ क्या, ये बड़ा परेशान करेगा, इसको बनाइए बेटा, कोई और उपाय नहीं है। अब बिल गेट्स को मालूम चल गया है कि हमारे कंप्यूटर में नकली विंडोज लगा हुआ है। कहना है कि आज क्लास नहीं खत्म करनी पड़ेगी, और बाद मतलब आधे घंटे तक कुछ उपाय ढूंढना होगा। पता है उनको कि फिर भी वो नकली वाले इंडियंस लोग लगाएंगे, ये काम पता नहीं, ऑफिस तो असली वाला है, विंडोज पता नहीं विंडोज में क्या प्रॉब्लम हो गया उनको। चलिए रुकिए, एक बार ट्राई करके देखते हैं, शायद उसको कुछ बेवकूफ बनाया जाए। नहीं देगा ये परमिशन, अरे वो लोग हमसे लूट के ले गए, आपको नहीं पता हमारे हमारे फोर फादर से उतना लूट के ले गए ये लोग, तो हम लोग उनको लूट रहे अब क्या प्रॉब्लम है। इस लास्ट वाले को दो मिनट रुकिए बेटा, ट्राई कर रहे हैं, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। चलिए अब लिखेंगे नहीं, कोशिश करते हैं इसी तरीके से। अब मुझे लिखने का उतना कुछ था नहीं, फिर भी चलिए यहाँ समझेंगे बेटा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए इसका रिएक्शन लिख पाइएगा आप लोग, इसका रिएक्शन लिख पाएंगे? हाँ या ना बेटा? चलिए इसका रिएक्शन लिखिए, अब ये कंटिन्यू नहीं करने देगा, ये इधर और प्रॉब्लम कर दिया। ठीक है बेटा यहीं तक रखते हैं, ठीक है इसके बाद जो है थोड़ा मुझे लिखना, आगे तो जाने दो भाई। चलिए ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे ठीक है, परेशान नहीं होना, हम लोग का खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रिक। बेटा यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है ना? यहाँ तक अच्छे समझ में आया सबको? ठीक है, अगर यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आया ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एकदम आसान है। अब जो बचेगा हम लोग का न्यूमेरिकल बचेगा, उसमें भी हम लोग का फॉर्मूला दिया रहता है। फॉर्मूला पता अच्छी बात क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल में एक भी फॉर्मूला डिराइव नहीं करना है,
सारा फॉर्मूला आया है ये मान लेना है। फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे तो खाली एक नर्स्ट इक्वेशन के बारे में डिराइव करना होता है, बाकी कोई फॉर्मूला डिराइव नहीं करना। ठीक है बेटा, आज के लिए यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास शनिवार को, संडे को होगा। संडे को आपका बेटा सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिस्कशन होगा। नेक्स्ट सैटरडे को बेटा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर के थोड़े डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सॉरी एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलता हूँ, मोल कॉन्सेप्ट के इजी वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक जो क्वेश्चन होता है वो होता है। तो जिनको भी बेटा मोल कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत भी अभी भी मतलब कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ कैलकुलेशन समझ में नहीं आता है, बेसिक, ठीक है, डिफिकल्ट वाले नहीं, वो शनिवार वाली क्लास अटेंड कर सकते हैं। शनिवार वाली क्लास ऑप्शनल रहेगी इस बार के लिए। क्लियर है बेटा सबको? ठीक है, चलिए बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा।